विपक्ष ने ही छोड़ा केजरीवाल का साथ, अध्यादेश पर भी लगा झटका। अब क्या करेंगे सर जी? पीएम मोदी का रास्ता आसान करेगा विपक्ष का बिखराव, राहुल ने जाने से पहले कर दिया सेट। नीतीश कुमार के मंच से क्या निकलेगा कोई रास्ता? कांग्रेस के बिना कैसे चल पाएगा विपक्ष? नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने की कोशिश में लगे हैं। उनको लगता था कि सबको एक कर लिया तो हो सकता है मेरे नाम पर सहमति बन जाए, लेकिन उनके सारे दांव बेकार होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के विदेश जाने से पहले कांग्रेस में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें दिल्ली कांग्रेस के नेता बैठे और बाकी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन इस बैठक से जो निकल कर बाहर आया वो अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और नीतीश कुमार के लिए भी कुछ खास नहीं, क्योंकि इस बैठक से दो बड़े फैसले निकल कर सामने आए। पहला, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। दूसरा, कांग्रेस अध्यादेश वाले मसले पर आपका साथ नहीं देगी। इन दोनों फैसलों का मतलब है कि अब विपक्ष का 2024 के चुनाव में एक होना असंभव है, क्योंकि ममता बनर्जी, केसीआर और अखिलेश यादव पहले से ही कांग्रेस से अलग चल रहे हैं। कांग्रेस ने खुद को आप से अलग कर लिया है। सब ऐसा ही रहा तो पीएम मोदी के लिए रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष अगर एकजुट होता तो शायद थोड़ी बहुत टक्कर दे पाता, लेकिन बिखरा हुआ विपक्ष पीएम मोदी के लिए प्यादों से ज्यादा कुछ भी नहीं। जरा देखिए विपक्ष कैसे बिखरा पड़ा है। केसीआर, ममता और अखिलेश यादव तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश में लगे हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एक करना चाहते हैं, लेकिन वो पीएम उम्मीदवार खुद बनना चाहते हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाना चाहती है और बाकी सभी पार्टियों को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन बिना अरविंद केजरीवाल के। हालांकि कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों से मुलाकात की थी। अब नीतीश के मंच पर एक बार फिर विपक्ष का मेला लगेगा तो देखते हैं वहां से क्या निकलता है। अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस का ये फैसला किसी आपदा से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की आज भी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर उसका साथ किसी पार्टी को नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी, लेकिन इस फैसले के पीछे आज के हालात नहीं है। कांग्रेस ने काफी सोच समझ कर यह फैसला किया है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली से साफ किया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ही कांग्रेस को पंजाब से बाहर किया, गुजरात में बुरी हार के लिए भी कांग्रेस ने आपको जिम्मेदार ठहराया। मतलब जहां आम आदमी पहुंचती है वहां से कांग्रेस का सफाया होना शुरू हो जाता है, इसीलिए कांग्रेस अब किसी भी हाल में अरविंद केजरीवाल से पीछे हटना चाहती है। याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई थी तो चंद दिनों में गिर गए, जबकि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को साथ नहीं रखना चाहती, जिसका मतलब है कि विपक्ष 2024 के चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट होकर तो नहीं लड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।